हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सहित और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज्यादा बवक ना करके अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन आ चुका है। सो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो एज़ यूजुअल आपको हर एनिमे का एक स्पेसिफिक असाइन नंबर मिल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। सो वीडियो को केयरफुली देखिए, जिससे कि लिंक ढूंढने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला एनिमे है वन पंच मैन। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया गया है बाय सेनमोन डवर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 6 तक हिंदी में डब किया गया था, और रिसेंटली एपिसोड 7 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 7 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 8 की रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। एपिसोड 8 के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चले चलते नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है बारा कामॉन। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय स्पाइडर डबल्स। सो रिसेंटली इस सीरीज़ का एपिसोड 1 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 के रिलीज़ डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय स्पाइडर डबल्स, एपिसोड 2 नेक्स्ट वीक के बाद ही आएगा। तो चले हम सब लोग वेट करते हैं और देखते हैं कब एपिसोड 2 रिलीज़ किया जाता है नेक्स्ट वीक के बाद। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है रेंटा गर्लफ्रेंड। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनीफ्लिक्स टीम डबल। प्रीवियसली इस सीरीज को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था, और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय एनीफ्लिक्स टीम डबल्स, एपिसोड 3 कल रिलीज होगा, यानी 19 अक्टूबर को रिलीज होगा। तो चलिए हम सब लोग एपिसोड 3 के लिए 19 अक्टूबर तक वेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है फ्लाई मी टू द मून। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय कार्डिनल वॉइड। प्रीवियसली इस सीरीज को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था, और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय कार्डिनल वॉइड, एपिसोड 3 के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी रिलीज डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे आवर लास्ट क्रूसेड और द राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय कार्डिनल वॉइड। रिसेंटली इस सीरीज का एपिसोड 1 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय कार्डिनल वर्ड, एपिसोड 2 आज रात को रिलीज किया जाएगा, यानी 18 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 2 के लिए आज रात तक। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डीमन स्लेयर। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय सोल डवर्स। प्रीवियसली इस सीरीज को एपिसोड 14 तक हिंदी में डब किया गया था, और रिसेंटली एपिसोड 15 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 15 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 16 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय सोल डवर्स, एपिसोड 16 के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन रिलीज डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब भी रिलीज डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है रियल लाइफ। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय वी आर इनसेन। प्रीवियसली इस सीरीज को एपिसोड 8 तक हिंदी में डब किया गया था, और रिसेंटली एपिसोड 9 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो अगर हम एपिसोड 10 की रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए सिर्फ इतने ही अपडेट है। एपिसोड 10 के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी रिलीज डेट कंफर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है आफ्टर द रेन। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय FFI एनिमे डबल्स।
तो प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 2 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 3 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। तो अगर हम इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय FY एनिमे डबर्स, इस सीरीज़ का डबिंग अभी के लिए बंद किया जा रहा है और शायद एक महीने बाद फिर से इस सीरीज़ का डबिंग स्टार्ट किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे श्योर डियर चिल्ड्रेन, इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय स्पाइडर डबर्स। रिसेंटली इस एनिमे सीरीज़ का एपिसोड 1 को हिंदी में डब किया गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा एपिसोड 1 को हिंदी डब में तो जाइए जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 2 की रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय स्पाइडर डबर्स, एपिसोड 2 आज यानी 18 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज है 91 डेज, इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय FFI एनिमे डबर्स। रिसेंटली इस सीरीज़ का एपिसोड 1 को हिंदी में डब किया गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही अपडेट है, एपिसोड 2 के ऊपर काम चल रहा है लेकिन रिलीज डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब भी रिलीज डेट कन्फर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे, इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय टीम इन्फिनिटी डबर्स। तो अगर हम इस मूवी की रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय टीम इन्फिनिटी डबर्स, मूवी का डबिंग स्टार्ट हो चुका है लेकिन रिलीज डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन शायद कुछ ही दिनों में हमें इस मूवी का हिंदी डब ट्रेलर देखने को मिलेगा फ्रॉम टीम इन्फिनिटी डबर्स। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इस मूवी का हिंदी डब ट्रेलर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट एनिमे है ब्लड ऑफ जुइश, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल US एनिमे सीरीज है जिसको ऑफिशियली हिंदी में डब किया जा रहा है बाय नेटफ्लिक्स इंडिया। तो अगर हम इस सीरीज के ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय नेटफ्लिक्स इंडिया, रिलीज डेट 27 अक्टूबर को है। सो फ्रॉम 27 अक्टूबर ब्लड ऑफ जुइश नेटफ्लिक्स इंडिया पर हिंदी डब में स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Rubbing on me.